देखने के लिए हम तरस रहे थे पूरी लाइफ, जो आज देखने मिल रहा है। तो आप लोगों को थैंक यू और लव यू ऑल। लव यू टू बोलिए। जर्नी को लेके इतनी कमाल की जर्नी रही है, काफी सारे रिलेशन आपने बनाए, कोई ऐसा रिलेशन जो आपके साथ हमेशा चलने वाला, इस घर के बाहर भी वो रिलेशन कामयाब रहेगा? हाँ, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, अभिषेक और एल्विस। तो मुझे लगता है ये दोनों दोस्त मेरे साथ जिंदगी भर के लिए दोस्त रहने वाले हैं। मुझे अगर क्योंकि एल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट नो डाउट अभिषेक भी बहुत है। बट अगर मुझे जर्नी वाइज देखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सर्वाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जर्नी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बट अगर एल्विस जीता है तो वो भी डिजर्विंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद की है। बट फिर अगर स्ट्रगल बोला जाएगा तो जो वाइल्ड कार्ड आते हैं उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। कभी हाँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एल्विस को लेकर काफी आप लोगों ने कुछ बोला कि ही इज नॉट डिजर्विंग बिकॉज़ ही द वाइल्ड कार्ड। हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों के वो अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कहा डिजर्विंग नहीं है। बट बात है कि अंदर अगर अभिषेक भी मेरा कितना भी जिगरी है, बट हम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे मेरे अपनी बहन भी होती, बट जब बात फेयर गेम का आता है, क्योंकि वहाँ पे 60 दिन रहना, और जब हम वहाँ रहें, कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे झगड़े करते हैं, तो एक पॉइंट पर आता है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है। तो वहाँ एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर देखा जाए तो एल्विस का जर्नी तो कहीं ना कहीं हाफ ऐसे ही, क्योंकि एक महीने में तो लोग वैसे ही एनर्जेटिक रहेगा, बट नो डाउट एल्विस का कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि उसको कोई देखेगा तो देखते रहेगा, मतलब वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। तो वो जीतो और एल्विस मेरा दोस्त है, तो हम खुश बहुत ज़्यादा हैं कि एल्विस जीता है। बट ऑब्वियसली बात, हम अभिषेक को फर्स्ट डे से वो स्ट्रगल करते देखते हुए आए हैं, तो अगर वो जीतता तो ऑब्वियसली बात है। बट अगर एल्विस जीता है और उसने कहीं ना कहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 17 साल में कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड जीता है वो भी मेरा दोस्त। सो आई एम वेरी हैप्पी दोनों के लिए। आपको ऐसा लगता है कि एल्विस जब घर में एंट्री किए थे, हाँ, उन्होंने आपसे और अभिषेक से दोस्ती बनाई, हालांकि अभिषेक से उनके वो फ्रेंड थे, हाँ, लेकिन आपको लगता है उन्होंने आपको स्टार्टिंग में आप लोगों का सहारा लेकर और गेम की शुरुआत की, घर में अपना मेंटेन कर लिया, उसके बाद में अब वो ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड का एक थोड़ा ये भी फ़ायदा होता है कि वो बाहर से सीज़न देख के आता है, तो उसको ऑलरेडी पता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, या फिर कौन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एल्विस का ये स्ट्रेटेजी होगा कि जाके इन लोग से ही दोस्ती करना है। बट एक होता है ना कि मतलब समझ में आ जाता है कि ये बंदे लोग सही है, तो एल्विस कहीं ना कहीं दिल से भी कनेक्ट हुआ है हम लोग से, सिर्फ ऐसा नहीं कि मनीषा और अभिषेक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या जो भी, तो मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन हम लोग के साथ दिल से भी हुआ है। हाँ, नहीं बिल्कुल, बेबी का टॉप 4 में भी डिजर्विंग है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे कोई कितना भी इंसल्ट करे या कुछ भी बोले, बट एज अ कंटेस्टेंट हम देखते हैं, तो हम उन्होंने मुझे बहुत बार वो किया, नॉमिनेट किया, बट हम आज तक उसको कभी नॉमिनेट नहीं किए, क्योंकि मेरा कोई मेरे को कितना भी बोल दे, बट जब गेम का बात आता है तो हम बहुत ऑनेस्ट है उसको लेके। अगर कोई बंदा मुझे डिजर्विंग लगता है तो हम उसको कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे, मुझे लगेगा नहीं। अगर वो लड़ी भी है पर उसने इस शो के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल दुश्मनी नॉमिनेशन में है कुछ। बेबी का डिजर्व करती थी टॉप 4, तो वो आई। सिस्टम ने आगे सिस्टम हिलाया पूरे बिग बॉस 16 सीजन का, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, नो डाउट। हम बहुत खुश है कि एल्विस जीता है, क्योंकि एक होता ना वो शायद यही कर सकता था, शायद कोई और ना कर पाए, तो सिस्टम ने पूरा सिस्टम हिलाया और सिस्टम का सिस्टम हम हिलाए। के साथ में जो उसकी दोस्ती है वो भी घर के अंदर है, बाहर जाके इतना कुछ मैटर नहीं करने वाला, इस बारे में क्या कहने वाली है?
मुझे लगता है अगर 60 दिन अगर जो भी जनता मुझे देखे है तो कहीं ना कहीं मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा। बट हम कभी भी दोस्ती सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं करते। मेरा जो कनेक्शन है वो चाहे अभिषेक हो या एल्विस हो, उनसे बहुत प्योर और एकदम दिल वाला है। अगर हम घर के अंदर कर रहे हैं तो बाहर भी करेंगे। तो इस पर आई थिंक 60 दिन में अगर जो जनता मेरा जर्नी देखा है तो हम किसी को कुछ भी करते हो दिल से देते हैं। मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है तो हम जब करते हैं तो ऐसे दिल से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि हम उनको पॉजिटिविटी के साथ जवाब देने चाहेंगे। शायद मुझे लगता है कि विनर कोई भी बना हो, ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि जनता का दिल अगर कोई सबसे ज़्यादा जीती है तो वो मनीषा रानी है। और आगे इन फ्यूचर जब हमको कोई मूवी मिलेगा या एल्बम मिलेगा तो उन लोग का ये जो सोच होगा वो भी शायद एक होता ना गलत हो जाएगा कि मनीषा रानी एक्ट्रेस भी बन सकती है, एल्बम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम ये कहेंगे क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी एक्टिंग नहीं सीखा है, बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम फुल ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दे और चाहे जो भी स्टेज हो उसमें हम करके दिखाएं। क्या कुछ सीखा है? थोड़ा कम तो नहीं बोल सकते हैं, बट मेरा ना वही है कि सामने वाला कम ज़्यादा सुनते नहीं है। तो अभी क्या है, थोड़ा सुनेंगे भी, जैसे आप लोग का सुन के बोल रहे हैं, वरना हम किसी को बोलने भी नहीं दे, ऐसा होता है मेरे साथ। तो सामने वाला का थोड़ा सुनना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, यही। मनीषा बिग बॉस करने वाली है।